नमस्कार मेरे प्रिय मिथुन राशि वाले मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2017 कैसा रहेगा आपके करियर, निवेश, धन संपत्ति आदि को लेके। साल 2017 के पहले 10 महीने बेहतर हैं आपके लिए अपनी योजनाओं पे ध्यान देने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए। आपको अपने आप को फिर से डेडिकेट करना होगा, समर्पित करना होगा अपने कार्य के प्रति। मेरी ऐसी सलाह की वजह यह है कि पहले 10 महीने कुछ ढीले ढाले चल सकते हैं, इसलिए ना ज़्यादा मेहनत करें और ना ज़्यादा फलों की उम्मीद करें। हाँ, ये एक अच्छा सुझाव होगा कि इस समय में, बल्कि पूरे 2017 में आप अपने आप को नई तकनीकों से, नए तरीकों से अवगत करवाएं और ये आपके करियर को एक नया और अच्छा मोड़ देने में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। आपके विकास कार्य में अभूतपूर्व तीव्रता भी आ सकती है, परंतु अगस्त 2017 के बाद, इसलिए कारोबार के क्षेत्र में कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। अगर हम 2017 के आखिरी तिमाही को देखें, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें कुछ परिवर्तन के संकेत हमें मिल रहे हैं आपके करियर के प्रति और आपके कुल जीवन के प्रति। जैसे कि हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, जिसको कि अंग्रेजी में रीलोकेशन बोलते हैं, या ये हो सकता है कि आप अपने व्यापार में कुछ और नए प्रोडक्ट डाल दें या कोई और नई बिजनेस की लाइन डाल दें। वर्ष 2017 के लिए ग्रहों का जो समूह बन रहा है, उसकी आपके लिए ये सलाह है कि आप अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाए रखें, परंतु ये उम्मीद ना करें कि आज मेहनत करी और कल आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे या बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये मेहनत, 2017 की मेहनत आपको भविष्य में जाके फायदा देगी, इसलिए अपनी जिम्मेवारियों से और मेहनत से बिल्कुल भी ना हटे। वित्तीय स्थिति की बात करें तो मिथुन राशि वाले अपनी आय और बचत की स्थिति में कुछ स्थिरता लाने में सक्षम होंगे। कुछ लंबी अवधि के निवेश करने के लिए आपको बहुत सारे सुअवसर मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि व्यापारियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, खास करके लग्जरी आइटम के ऊपर आप बिल्कुल भी 2017 में खर्च ना करें, क्योंकि ये पैसा आप अगर अपने व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे या वर्किंग कैपिटल में डालेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और उसके साथ साथ आप उधार लेने से भी बच सकते हैं। वर्ष 2017 आपको सुअवसर देगा कि आप अपने उधार यानी कि डेट को रीस्ट्रक्चर कर सकें और वो भी आप अपने फायदे में। तो जब जब आपको ये ऐसा लगे कि बैंक के साथ या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बैठ के आप अपनी टर्म्स को रीनेगोशिएट कर सकते हैं, तो उस अवसर को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। कुल मिलाकर ये वर्ष वित्तीय पक्ष में आपको एक मजबूती प्रदान कर रहा है और स्थिरता दे रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और भविष्य में और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले नए वीडियोस के बारे में सूचना पाते रहें। तो ये था आपकी राशि के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्णमान। यदि आप अपने बारे में और जानना चाहते हैं, हमें अपनी कुंडली दिखा के विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमें टेलीफोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी दोनों वेबसाइट्स भी जरूर देखें। इसके साथ ही साथ मैं वर्ष 2017 के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे कि आप हमेशा सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। हमें आपके सजेशंस, कमेंट्स और एक्सपीरियंसेस का इंतजार रहेगा। नीचे बॉक्स में जरूर आप अपने आइडियाज हमसे शेयर करें।
धन्यवाद।